ओके सो गाइस लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए नवरात्रि दुर्गा पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग। और ये एडिटिंग सिंपल होने वाला है क्योंकि आप सभी लोग एडिटिंग कर पाए नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए, इसीलिए ओके सो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप का पोज मार देना है और उसके बाद आप लोगों को बैकग्राउंड को कर देना है इरेज। और अगर आप लोग बैकग्राउंड इरेज करना नहीं जानते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप लोग वीडियो देख ही सकते हो। ओके तो सबसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है सबसे पहले और बैकग्राउंड को आप लोग को ले आना है। तो इस टाइप से बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड को आप लोग लाने के बाद यहाँ से आप लोग का आर्ट फोटो में जाना, टूल्स में जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को जाना है टिल शिफ्ट, ओके तो उसके ऊपर आप लोगों को जाना है ब्लर आप लोग को लाना है। तो उसके लिए आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। ब्लर का अमाउंट को हम लोग रख रहे हैं 18%, ओके तो इसी टाइप से आप लोग का ब्लर को रखना है इसी टाइप से स्क्रोल करके। ओके तो गाइज इसी टाइप से देख ही सकते हो मैं कैसे रख रहा हूँ ब्लर को। तो गाइज इसी टाइप से आप लोगों को करके रखना है। ओके तो इसी टाइप से कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाके अमाउंट को आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं 15 सेकेंड अकाउंटिंग। ओके तो इसी टाइप से गाइज आप लोगों को अमाउंट को रख देने के बाद यहाँ से आप लोगों को डन का आइकन बना हुआ है उसके ऊपर डन कर देना है। ओके तो ये काम हो जाने के बाद आप लोगों को जाना है आर्ट फोटो में। तो गाइज यहाँ से आर्ट फोटो ऑप्शन है, तो आर्ट फोटो में क्लिक करना है और जो मॉडल को आप लोगों ने इरेज किया था उसको ले आना है। और लाने के बाद आप लोग को यहाँ से इसे ऐड कर देना है। ओके ऐड करने के बाद यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग को फ्लिप एंड रोटेट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से फ्लिप कर देना है। मैं इसी टाइप से रोटेट कर लेता हूँ। ओके तो इसको बड़ा करके रख लेते हैं। तो गाइज अभी के वक्त में नवरात्रि फोटो एडिटिंग जो कि इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, तो गाइज आप लोग क्रिएट करो नवरात्रि के लिए, सभी लोग क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल एडिटिंग कर सकते हो। ओके तो उसके बाद यहाँ से आप लोग इरेज कर देना है इरेजर में जाकर, तो जैसे कि रियलिस्टिक लगे। ओके तो इसी टाइप से हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं, देख ही सकते हो जैसे कि सच में आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हो। उसके बाद गर्ल पीएनजी को आप लोगों को लाना है, तो गर्ल पीएनजी को आप लोगों को लाकर यहाँ से खड़ा कर देना है अपने पास। ओके तो गर्ल पीएनजी मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन सब मिल जाए करेगा। और बहुत सारे पीएनजी भी दूंगा जिसका यूज़ करके आप लोग दुर्गा पूजा फेस्टिवल में आप लोग फोटोज़ एडिटिंग कर पाएंगे। ओके तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन सभी रहेगा, वेबसाइट में भी अवेलेबल रहेगा, तो गाइज आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके तो सिंपली गाइज यहाँ से क्या करना है, इरेजर में जाना है, इरेजर ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोग को इरेज कर देना है नीचे से कुछ इस टाइप से, जैसे कि बैकग्राउंड से मैच कर जाए, जैसे कि आप लोग सच में यहाँ पर खड़े हुए हो तो इसी टाइप से लगे। तो सिंपली इस टाइप से करने के बाद यहाँ से आप लोग कर देना है डन और इसको बड़ा कर देना है इस टाइप से। ओके तो एडजस्टमेंट करके आप लोग को रखना है अपने फ़ोटो को। तो पोज मारने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब काम होने के बाद आप लोग को जाना है आर्ट फोटो में। इस बार आप लोग को तिलक पीएनजी को लाना है। ओके सो ये रहा तिलक पीएनजी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप सब जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तिलक पीएनजी को हम लोग माथे में लगाएंगे तो इसी टाइप से, और यहाँ से बहुत ही ख़तरनाक लग रहे हैं। तो हैप्पी नवरात्रि स्पेशल फ़ोटो एडिटिंग होने वाला है, तो सिंपली यहाँ से फ़ोटो आर्ट फोटो में जाना है, ये वाला पीएनजी को लाना है और ये वाला पीएनजी को इसे जूम कर देना है। ओके जूम करना है और जूम करने के बाद यहाँ से आप लोग जाना है एडजस्ट ऑप्शन में। तो यहाँ से आप लोग को जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से आप लोग को जाना है कलर वाला ऑप्शन में, यहाँ से कलर्स में जाना है। तो यहाँ से आप लोग जाना है ह्यू में, ह्यू में जाने के बाद ह्यू को आप लोगों को माइनस कर लीजिएगा 38 अराउंड। ओके 38 रखिएगा और देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से कलर आप लोग आ जाए करेगा। और इस वाली पीएनजी को आप लोगों को इस टाइप से रखना है। ओके तो देख ही सकते हो हम लोग रख चुके हैं। तो आप लोगों को आर्ट फोटो में फिर से जाना है और एक पीएनजी गाइज लाना है आप लोगों को। तो इसको हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, फिर से जाना है आर्ट फोटो में और ये वाला पीएनजी को ले आना है, ये वाला जो पीएनजी है। तो ये वाला पीएनजी देख सकते हो, इसको ऊपर की ओर लगाएंगे तो ये वाला पीएनजी ऐसे लगाएंगे। ओके तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप लोगों का फ़ोटो बन जाता है। तो ये वाला काम हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से आर्ट फोटो में जाना है। इस बार आप लोगों को टेक्स्ट पीएनजी को लाना है, नवरात्रि फोटो एडिटिंग टेक्स्ट पीएनजी। ओके तो ये वाला टेक्स्ट पीएनजी को आप लोग ले आना है और इसको आप लोग रख देना है ऊपर की ओर। ओके तो फिर आप लोग को जाना है इरेजर में।
तो यहाँ से आप लोग को इरेजर ऑप्शन ऊपर मिल जाता है, तो इरेजर में जाना है, इरेजर में टैप करना है और उसको आप लोग ऐसे इरेज कर देना है। ओके, तो इरेज कर देने के बाद आप लोग यहाँ से डन का आइकन में क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोग डन का आइकन ऊपर में बना हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग डन कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। ओके, तो डन करने के बाद आप लोग का फोटो बन जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि रियल एसटी फोटो एडिटिंग किया जाए आप लोगों के लिए। ओके, तो कुछ ही मिनटों में आप लोग का एडिटिंग बन जाए करेगा और आप लोग बहुत ही आसानी से स्टेप में आप लोग ये वाला एडिटिंग को कर सकते हैं और बहुत ही हार्ड एडिटिंग नहीं है, कुछ हार्ड एडिटिंग नहीं है। तो सिंपली हम लोग लाइट रूम में ले आएंगे फोटो को, तो लाइट रूम आप लोग को ले आना है। तो यहाँ से आप लोग को जाना है कलर में, मिक्स में जाना है और ये वाला कलर को जो माइनस की ओर लेना है, लास्ट वाला कलर को, ये वाला कलर को आप लोग को सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ से ल्यूमिनस भी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। येलो वाला कलर को आप लोग को ल्यूमिनस को इंक्रीज़ करना है, फेस जो है ग्लो करने लगता है। तो ये वाला जो थर्ड वाला कलर है आप लोग को माइनस करके दिखाना है। लाइट रूम में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा शार्पन वगैरह ऐड करेंगे, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे। ओके, तो सिंपली ये वाला स्टेप को आप लोग कर देना है लाइट रूम में। तो कलर थोड़ा सा इन्हांस करेंगे लाइट रूम में। ओके, तो स्टेप से देख सकते हो मैंने क्या स्टेप ले रहा हूँ। तो ये सब कर देने के बाद गाइज आप लोगों को जाना है कहाँ पे, इफेक्ट्स में जाना है, टेक्सचर को इंक्रीज़ कर देना है, क्लैरिटी वगैरह देख सकते हो आप लोग, शार्पनिंग तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है 14 तक। ओके, सो उसके बाद यहाँ से फोटो एडिटिंग आप लोग कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज सिंपल वे में आप लोग को सिखाने की कोशिश की, आप लोग कुछ ही मिनटों में कर लोगे एडिटिंग को। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों साथ शेयर कर लीजिएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरलेस एडिटिंग में।